हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस, और इसमें हमने टेस्टिस के सारे पार्ट्स, उसके फंक्शनिंग और वो कैसे कैसे ट्रैवल करता है, कहाँ उसका फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में हमने बात किया था। अभी हम लोग बात करने वाले हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के माध्यम से हम स्पर्म के कंप्लीट पैसेज को जानने वाले हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स होती है इसके बारे में जानने वाले हैं। साथ ही साथ दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सीमेन और स्पर्म में, इसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ये स्क्रॉटल सैक है और यहाँ पर प्रेजेंट है टेस्टिस। टेस्टिस के जस्ट अबव आपने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि ये होता है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के दो पार्ट होते हैं, कैपुट एंड कॉडा, इसके बारे में भी हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था। एपिडिडाइमिस वो पार्ट था जहां पे स्पर्म की फंक्शनल मैच्योरिटी होती थी और फिर ये आगे बढ़ता था वास डिफरेंस के माध्यम से, यहां तक हमने बात किया था। अब आते हैं, ये स्पर्म यहाँ पे फॉर्म होने के बाद, फंक्शनल मैच्योरिटी गेन करने के बाद, वास डिफरेंस से होते हुए एक छोटे से स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर में पहुँचता है, दैट इज कॉल्ड एम्पुला। और यहाँ पे आके स्पर्म स्टोर होता है, इजैकुलेशन का वेट करता है। एम्पुला वो जगह है जहाँ पे स्पर्म स्टोर होगा अराउंड 1 मंथ के लिए। अगर ये इस दौरान इजैकुलेट हुआ तो ठीक, अदरवाइज ये यहाँ पे डिजेनरेट कर जाएगा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो सबसे ध्यान देने वाली बात है, कि एम्पुला में जब तक है तब तक ये स्पर्म है, और इसके बाहर निकलते ही इसमें प्रीवियसली एक ग्लैंड है, दैट इज कॉल्ड सेमाइनल वेसाइकल। ये सेमाइनल वेसाइकल वो ग्लैंड है जिसको हम एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड बोलेंगे, क्योंकि रिप्रोडक्शन में ये एसेसरीज की तरह हेल्प करता है, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और इसमें कंटेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे फ्रक्टोज हैं, यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो कोगुलेशन ऑफ सीमेन में हेल्प करने वाला है। अब ये सेमाइनल वेसाइकल का कॉन्टेंट अराउंड 70% होता है टोटल सीमेन का। हमने वर्ड अब यूज़ किया है सीमेन, क्योंकि सेमाइनल वेसाइकल का कंटेंट जैसे ही स्पर्म से मिलेगा ये सीमेन कहलाना शुरू हो जाएगा, और इसका जो नेचर है वो एल्कलाइन नेचर का है। अब ये आगे की तरफ बढ़ता है और इसके लिए जो पाथवे है, दैट इज़ कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट के माध्यम से ये बाहर की तरफ आने वाला है। और ये बाहर आए, उससे पहले आपको मैं एक चीज़ कन्फर्म करना चाहूँगा कि मेल के केस में यूरेथ्रा वो रास्ता है जो कॉमन पैसेज है फॉर स्पर्म एंड फॉर यूरिन। ये दोनों के लिए कॉमन पैसेज की तरह एक्ट करता है। और आपको पता होना चाहिए, ये जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें जो यूरिन स्टोर होते हैं, दैट इज़ स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। ये स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। जब यूरिन इससे बाहर निकलेगा यूरेथ्रा के माध्यम से, तो इस पूरे यूरेथ्रा को ये कर देता है एसिडिक। अगर ऐसी स्थिति में सीमेन आया तो उसमें जो स्पर्म प्रेजेंट हैं वो डेड हो जाएंगे, और इसको डेड होने से बचाने के लिए हमारे पास एक ज़बरदस्त ग्लैंड है, नाम है काउपर्स ग्लैंड, जो एनसीईआरटी इसका नाम रखता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। दोनों सेम नाम है, आप कोई भी एक नाम याद रख सकते हैं, दोनों नाम रखें तो बेहतर है। तो काउपर्स ग्लैंड वो ग्लैंड है जो एल्कलाइन नेचर का सिक्रीशन देता है और पूरे सीमेन का 0 to 1% कॉन्स्टिट्यूट करता है। जो सबसे गजब की बात है वो ये है कि सीमेन के आने से लगभग 1 से 2 मिनट पहले स्काउपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन आता है और पूरे यूरेथ्रा में फैल जाता है। और इसकी वजह से, चूंकि ये एल्कलाइन था, यूरिन एसिडिक मीडियम का था, तो ये पूरे यूरेथ्रा को न्यूट्रल कर देगा और स्पर्म को किल होने से बचा लेगा। तो हमारे पास पहला सेमाइनल वेसाइकल, दूसरा काउपर्स ग्लैंड। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में एक और ग्लैंड की बात करते हैं, दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड पूरे सीमेन का अराउंड 30% हिस्सा कॉन्स्टिट्यूट करता है और इसका भी नेचर एल्कलाइन होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के कंटेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे कैल्शियम आयंस होते हैं, क्लॉटिंग एंजाइम्स होता है जो कि कोगुलेशन ऑफ सीमेन में हेल्प करने वाला है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आपको मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगा, हालांकि ये कहीं भी एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है, इस प्रोस्टेट ग्लैंड के 5 लोब होते हैं और इसका पूरा का पूरा सिक्रीशन निकलने के लिए एक हमारे पास जो पैसेज है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। प्रोस्टेटिक यूट्रिकल के माध्यम से ही आता है यूरेथ्रा में। अब
ये पूरी की पूरी बात हो गई है। अब कुछ बातें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे हमने अभी वर्ड यूज़ किया है सीमेन। अब सीमेन बोलने का मतलब क्या है? तो जब भी हम वर्ड सीमेन बोलेंगे तो इस सीमेन में दो चीजें होंगी, दैट इज स्पर्म, और इसके अलावा ये तीन ग्लैंड यानी कि सेमाइनल वेसाइकल, काउपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, जिस तीनों को मिला के मैं नाम दे रहा हूं, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो जब भी हम सीमेन वर्ड यूज करेंगे तो इसमें स्पर्म और ये तीनों ग्लैंड के जो कंटेंट होंगे उसकी बात हो जाएगी। अब बात करेंगे कि टोटल सीमेन का कंटेंट कितना है। तो एक इजैकुलेशन में, अगर हम वन इजैकुलेशन की बात करेंगे, तो इस वन इजैकुलेशन में अराउंड 2 ml टू 3 ml सीमेन होते हैं, यानी वन इजैकुलेशन में जो वॉल्यूम है वो होता है 2 ml टू 3 ml सीमेन का। अगर हम इस सीमेन में स्पर्म के नंबर की बात करेंगे तो 1 ml सीमेन में अराउंड 120 मिलियन स्पर्म होते हैं। और हम टोटल कंटेंट यानी वन इजैकुलेशन में बात करेंगे तो 1 ejaculation में अराउंड, हम ऑन एन एवरेज डेटा लेते हैं, दैट इज अराउंड 300 मिलियन स्पर्म। यानी ये 300 मिलियन स्पर्म है जो एक बार में इजैकुलेट होता है। ये सारे के सारे स्पर्म रेस लगाते हैं और सिर्फ एक ही स्पर्म होता है जो फर्टिलाइजेशन कर पाता है। यानी अगर आप रेशियो निकालेंगे तो बहुत ही नेग्लिजिबल रेशियो है। फिर आपके दिमाग में आएगा, सर इतने कंटेंट की ज़रूरत क्यों होती है? तो जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बात करेंगे उसके बारे में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितना इजैकुलेशन में निकला है उसका बहुत ही लेस अमाउंट फीमेल के एम्पुला रीजन तक पहुंचता है, और उसमें से कुछ एक जाके टकराता है और सिर्फ एक स्पर्म ही होता है जो उस रेस को जीत पाता है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो पाता है। तो फिर से इस पूरी बात को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे सारे ग्लैंड्स के बारे में बात होने वाला है। जैसा आपने पहले देखा था कि स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है, ये ईपी डायडाइमिस के माध्यम से आगे की तरफ वास डिफरेंस में पहुंचता है, ये प्रीवियस लेक्चर हमारा बता रहा था। अब यहाँ से ये पहुंचता है एम्पुला में, जहाँ पे एम्पुला में स्पर्म स्टोर रहता है फॉर 1 month। अब ये एम्पुला में जब तक है तब तक स्पर्म कहलाएगा, लेकिन इसके पीछे का जो कंटेंट यानी सेमाइनल वेसाइकल का कंटेंट जब ये आएगा तो ये सीमेन कहलाने लगेगा। पूरे सीमेन का अराउंड 70% हिस्सा जो है ये सेमाइनल वेसाइकल का होता है। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट के माध्यम से बाहर आएगा, लेकिन बाहर आने के साथ ये जो यूरेथ्रा है, यूरिन की वजह से एसिडिक नेचर का हुआ पड़ा है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास है काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड पूरे सीमेन का 0 to 1% हिस्सा कॉन्स्टिट्यूट करता है और एल्कलाइन नेचर का होता है, जो कि इस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रल कर देगा। हमारे पास तीसरा ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो पूरे सीमेन का अराउंड 30% हिस्सा कॉन्स्टिट्यूट करेगा, और ये भी एल्कलाइन नेचर का होता है, इसमें कैल्शियम आयन, क्लॉटिंग एंजाइम्स, ऐसी चीज़ें होती है।
ठीक, ये प्रोस्टेट ग्लैंड का जो भी सिक्रीशन होता है यहाँ से बाहर निकलने के लिए इसके पास प्रोस्टेटिक क्यूट्रिकल होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड में 5 लोब होते हैं। अगर सीमेन की बात करें तो सीमेन में स्पर्म है और साथ ही साथ एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के सिक्रीशन यानी कि सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड के सिक्रीशन है। अगर वन इजैकुलेशन में बात करेंगे तो 2 से 3 ml तक सीमेन होता है और 1 ml सीमेन में अराउंड 20 to 120 million स्पर्म होते हैं और इस हिसाब से अगर वन इजैकुलेशन में बात करेंगे तो अराउंड 300 million स्पर्म होते हैं और इस 300 million स्पर्म में से सिर्फ 1 स्पर्म जाता है जो फर्टिलाइजेशन करता है। आज के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर में हम लोग ऑलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ कोगुलेशन ऑफ सीमेन के बारे में भी बात करने वाले हैं। आपको किसी भी तरीके की कोई भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट सेक्शन में आके हमें कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका सॉल्यूशन आप तक प्रोवाइड करवाऊँ। थैंक यू।